subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका. और आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पुर्तगाली के बारे में बताया था. पुर्तगालियन ने 1556 ईस्वी में यहाँ पर एक फैक्ट प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, इसके बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में. अब हम शुरू करते हैं आज डचों के बारे में. डच हॉलैंड के निवासी थे और यह भी व्यापार करने के लिए ही भारत आए थे. यह पुर्तगालियों की जगह पर अपने व्यापार को मजबूत करना चाहते थे अपना पूर्वी क्षेत्र में. तो ये जब डच पहली बार भारत आए, उनसे पहले डचों का यहाँ पर आना जाना चल रहा था. तो पहला डच यात्री जो भारत आया वह था 1596 ईस्वी में आने वाला कार्नेलियस द हस्तमान. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है. कार्नेलियस द हस्तमान पहला डच यात्री था जो भारत आया था. ठीक है, यह भी व्यापार के लिए आया था, एक व्यापारी ही था जो पहले सबसे पहले भारत आया. उसके बाद धीरे धीरे कई व्यापारी इनके आए. कार्नेलियस हस्तमान भी सीधे भारत से होते हुए सीधे पूर्वी क्षेत्र में गया और पूर्वी क्षेत्र में वहाँ पर अपनी क्या कहते हैं वहाँ के राजा से, उधर के राजा से संधि करने में सफल रहा और वहाँ पर अपना व्यापार शुरू करने में सफल रहा. उसके बाद लगभग लगभग 1595 से 1601 ईस्वी तक, यानी कि 1595 से 1601 ईस्वी तक यहाँ पर भारत में पूर्वी क्षेत्र में 15 समुद्री यात्राएं लगभग लगभग की. 15 समुद्री यात्राएं उन्होंने की यहाँ पर भारत में. और 15 समुद्री यात्राएं करने के बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है. और उस समय जब उसकी स्थापना होती है, इसको उस समय वहाँ के राजा द्वारा, क्योंकि वहाँ के प्रशासक द्वारा 21 वर्षों के लिए यह अधिकार दिया जाता है. 21 वर्षों के लिए यह अधिकार दिया जाता है कि वह युद्ध वहाँ पर युद्ध कर सकता है, किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को जीत के अपने मिला सकता है और वहाँ पर किसी भी राजा के साथ संधि कर सकता है. ऐसे खुले तौर पर इनको यह व्यापार करने की छूट दे दी गई थी जब ये कंपनी भारत आई थी. तो उस समय इसकी वैल्यू जो थी 65 लाख गिल्डर थी. 65 लाख गिल्डर इसकी वैल्यू थी जब इस कंपनी को स्थापित किया गया. 17 लोगों का एक सदस्य, जो 17 सदस्य थे उनकी, उन सदस्यों को बैठाया गया. कहते हैं कि ये जो इनकी जो कंपनी बनी थी, यह कंपनी लगभग लगभग छोटे मोटे जो पहली कंपनियां थी डचों की, उन सबको मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई गई जिसका लिखा गया है, उसका नाम लिखा है ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इसका नाम रखा गया. तो 17 सदस्यों की एक बोर्ड था ये उस समय स्टार्टिंग में. धीरे धीरे इसने अपने पांव फैलाए. तो उसके बाद 1605 ईस्वी में एक सैनिक जो होता है, यानी कि जो अपनी नौसेना जहाज का प्रमुख जो होता है, उसका नाम है बादर हेग. बादर हेग ने 1605 ईस्वी में यहाँ पर 1605 ईस्वी में बादर हेग ने मुसलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की थी. पहली डच फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में हुई थी, जो मुसलीपट्टनम में हुई थी. बादर हेग इसको करने वाला था. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन. ठीक है, डचों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो 1602 ईस्वी में पहली इनकी कंपनी बनती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड. और 1605 ईस्वी में बादर हेग मुसलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना कर लेता है. इसके बाद हुआ क्या, 1605 ईस्वी में ही पुर्तगालियों से डचों ने अम्बाला छीन लिया. ये जो जगह है अम्बाइना है डचों ने ये पुर्तगालियों से छीना. ये पूर्वी व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी. धीरे धीरे इन्होंने मसाला द्वीप पुंज, यानी कि जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया, वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया. अम्बाइना को जीत कर धीरे धीरे इन्होंने मसाला द्वीप पुंज वहाँ पर अधिकार कर लिया. और अधिकार करने के बाद वहाँ से इन्होंने पुर्तगालियों को भगा दिया. धीरे धीरे वहाँ पर इनका अधिकार हो गया. उसके बाद 1610 ईस्वी में इन्होंने पुलिकट में एक फैक्ट्री खोली. वहाँ पर एक चंद्रगिरी, वहाँ पर जो जगह थी चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा हुआ करते थे, उनसे एक संधि, एक समझौता हुआ. और उस समझौता के तहत पुलिकट में एक फैक्ट्री खोली गई. इस पुलिकट में जो फैक्ट्री खोली, इसी को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया. और मुख्यालय बनाने के बाद यहाँ पर ये अपने सिक्के ढालते थे, जिनको बोलते थे पैगोडा सिक्के. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पैगोडा सिक्के ये ढालते थे. ये डच अपने पैगोडा सिक्के कहाँ से डालते थे, कई बार पूछा गया है. तो डालते थे वहाँ से, जो पुलिकट की फैक्ट्री थी वहाँ से अपने डच क्या डालते थे, सिक्के डालते थे. इनको पैगोडा कहा गया है. उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी क्या कहते हैं साम्राज्य का, या अपने कहें तो अपने जो व्यापार का, उसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार किया. और प्रसार करने के बाद ये इन्होंने 1616 में सूरत में खोल दी.
ठीक है, 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत उस समय बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह होता। अंग्रेज भी सूरत ही में आएंगे सबसे पहले, वहीं पर सभी लोग सूरत को हथियाना चाहते थे, क्योंकि सूरत एक उस समय का बहुत बड़ा एक ऐसा बंदरगाह था, यहाँ से बहुत व्यापारिक बंदरगाह था, जो सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह पश्चिमी क्षेत्र का अगर कहें तो। उस समय सूरत बहुत प्रसिद्ध था, कपड़ों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, बाकी कपास वपास के लिए और जो और चीज़ें होती थी यहाँ से, सभी चीज़ों के लिए पश्चिमी क्षेत्र के लिए जाने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती थी। सूरत में 1616 में खोली, 1641 में इन्होंने विमिलीपट्टनम, एक जगह है दक्षिण भारत में, वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। तो 1616 में इन्होंने विमिलीपट्टनम, 1641 में विमिलीपट्टनम में पहुंचे, 1616 में सूरत में पहुंचे। ठीक है, इसके बाद पूर्वी क्षेत्र की हम बात करें। पूर्वी क्षेत्र यानी कि जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो आज का हमारा है, उसे हम पूर्वी क्षेत्र जो बोलते हैं, बंगाल क्षेत्र उस समय तो एक ही था। ठीक है, तो बंगाल क्षेत्र में ना सबसे पहले फैक्ट्री पीपली में खुली। कहाँ खुली? पीपली में। पीपली आपने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा था बीच में पीपली। पीपली में उन्होंने पहली फैक्ट्री खोली, और पीपली में जो उन्होंने फैक्ट्री खोली 1627 ईस्वी में पीपली में खोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि डचों का पूर्वी क्षेत्र में पहली बार फैक्ट्री कहाँ खुली थी, तो पीपली में। डचों का पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले जो उनका व्यापार शुरू हुआ था 1627 ईस्वी में, उन्होंने पीपली से स्टार्ट किया था। इसके बाद 1653 ईस्वी में उन्होंने चिंसुरा में फैक्ट्री खोली। चिंसुरा में एक फोर्ट बनाया उन्होंने, यानी कि किला बनाया, जिस किला को कहते हैं गुस्तावस फोर्ट। गुस्तावस फोर्ट कहा जाता था उस किले को, और उस किले को वह गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने चिंसुरा के बाद 1658 में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और इन जगहों पर अपना धीरे धीरे इन्होंने अपना क्या कहते हैं व्यापार था वो फैलाया। ठीक है, धीरे धीरे पटना, बालासोर और कासिम बाजार, कासिम बाजार कलकत्ता में हुआ करता था, कासिम बाजार और पटना इस क्षेत्र में इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियां खोलनी स्टार्ट कर दी। 1663 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में फिर अपनी फैक्ट्री खोली। 1663 में गए कोचीन में, वहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली 1663 ईस्वी में। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बाद में इन्होंने, इनको औरंगजेब ने भी 1664 ईस्वी में, जब इन्होंने कोचीन में फैक्ट्री खोली 1663 ईस्वी में, उसके एक साल बाद 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इनको क्या दे दिया, दीवानी दे दी, यानी कि वहां पर बंगाल, उड़ीसा और बिहार के में, बंगाल उड़ीसा बिहार में इनको कह दिया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, व्यापार करने की छूट इनको दे दी गई। ठीक है, तो औरंगजेब ने भी इनको छूट दे दी। तो इसी तरह से फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या करा कि इनका एक खासियत क्या होती थी, ये लोग क्या कहते हैं, इन्होंने ये पहले ऐसे हैं, मतलब जिन्होंने क्या करा, डचों ने क्या करा कि फिर मसालों को साइड रख के इन्होंने ज़्यादा कपड़ों पर ध्यान दिया। भारत के कपड़ों को व्यापार में लाने का श्रेय डचों को ही जाता है। भारत के कपड़े को व्यापार में लाने का श्रेय किसको जाता है? डच को जाता है। डच ही सबसे पहले इन्होंने भारत के कपड़े को पश्चिमी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्होंने कासिम बाजार में एक रेशम की चक्री की स्थापना की, और यह चक्री की स्थापना इन्होंने 1650 में की। इन्होंने क्योंकि ये कपड़े पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो इन्होंने कहा भाई मिलावटी कपड़ा ना बने, खराब कपड़ा ना बने, कपड़े की क्वालिटी अच्छी रहे, इसलिए इन्होंने क्या करा, खुद ही कासिम बाजार में 1650 में एक रेशम की चक्री खोली। 3,000 के आसपास वहां पर रेशम काम करने के लिए आदमी रखे गए यहीं के। तो इन्होंने चक्री खोली, चाहे कि जो क्वालिटी है कपड़े की वो अच्छे से अच्छी रहे, और पश्चिमी क्षेत्र में बेच के उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, इसने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दिया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब अंग्रेजों, और क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे, आपको पता है अंग्रेज भी 1605 ईस्वी में आ जाएंगे, तो अंग्रेज जब यहाँ पर भारत में आए तो उनका और डचों का फिर बहुत ज्यादा संघर्ष शुरू हो गया। पहले से पुर्तगाली थे, डच भी आगे थे, डचों की नौसेना शक्ति अच्छी थी, तो अंग्रेज उससे भी ज्यादा अच्छे नौसेना शक्ति लेके आए, और नौसेना शक्ति होने के कारण उन्होंने डचों को धीरे धीरे यहाँ से साफ करना शुरू कर दिया। साफ करना शुरू कर दिया 1759 ईस्वी में, 59, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1759 में बेदरा पश्चिम बंगाल में है, मतलब बंगाल में है बेदरा जो है, इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, और यह सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। यहीं से डचों का जो, यहीं से जो डच थे उनकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, क्षीण हो गई, और वह अब इस युद्ध से पता लग गया कि भारत में अगर कोई व्यापार करेगा तो अंग्रेज करेंगे। हालांकि अंग्रेजों को अभी चुनौती दे रहे हैं फ्रांसीसी, लेकिन फ्रांसीसी भी ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हम जो बात करेंगे अंग्रेजों की। ठीक है,
तो जो डच था उनका व्यापार जो था वो कार्टल व्यवस्था पर चलता था। क्या था? कार्टल व्यवस्था, इसको बोलते हैं कार्टल व्यवस्था। इसकी जो पुष्टि होती है 1772 ईस्वी में एक लेख मिला है इनका, या कहें तो एक क्या कहते हैं इनका लिखा हुआ मिला है, जिसके साथ उन्होंने दक्षिण भारत के कुछ व्यापारियों के साथ व्यापार किया, तो उसमें लिखा हुआ मिला है कि कार्टल व्यवस्था, जिसको सहकारी व्यवस्था भी कहते हैं, कार्टल व्यवस्था पे इनका व्यापार आधारित।